नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 25वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, कौन सा लेक्चर? 25वां लेक्चर। इससे पहले के जो 24 लेक्चर मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंस्टेंट हार्टिकल्चर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप शुरू से ला के और आज तक देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट जो है हार्टिकल्चर वाला वो धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा और साथ साथ में आपको याद भी होता चला जाएगा। बहुत कायदे से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है एक हर एक क्रॉप को, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हार्टिकल्चर से रिलेटेड जो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं फिग एक क्रॉप के हैं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप तो नहीं है लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए काफ़ी बार इसके बॉटनी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है या कभी कभी इसकी वैरायटी के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिग के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिग देखने में कैसा होता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने फिग नहीं देखा होगा लेकिन गूलर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। गूलर देखा है? गूलर, गूलर बिल्कुल उसी तरीके से होता है, मतलब एक ही फैमिली के हैं। गूलर और फिग दोनों एक ही फैमिली के हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इन दोनों में। तो हम किसके बारे में आज पढ़ेंगे? फिग के बारे में। देखो, ये चीज़ और भी है, फिग जो है ये पीपल ग्रुप यानी कि फाइकस ग्रुप का एक पौधा है। ठीक, पीपल या गूलर या पाकड़ बरगद ग्रुप का एक पौधा है। ठीक, और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ये सेब से भी ज़्यादा होती है। ठीक, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सेब से भी ज़्यादा होती है। इसमें जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं, इसको खाने से पेट बहुत सही रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिग के बारे में जानना। देखो, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है फाइकस कैरिका, इसका बोटेनिकल नेम जो होता है फाइकस कैरिका। फैमिली इसकी होती है मोरेसी। ठीक, कौन सी फैमिली होती है? इसकी फैमिली का नाम है मोरेसी। इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो वेस्ट एशिया है। ठीक, क्या है? वेस्ट एशिया। ओरिजिन प्लेस ऑफ फिग इज वेस्ट एशिया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है फिसिन एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन फिग। क्या होता है? फिसिन एक एक्टिव कंपाउंड होता है, ये इतना गलत हो गया है, ये कुछ है नहीं। यहाँ फिग जो होता है एक एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक, और ये पाया किस में जाता, सॉरी, फिसिन एक एक्टिव कंपाउंड होता है, किस में पाया जाता है? फिग में पाया जाता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, फिग फिसिन, फिग फिसिन, फिग फिसिन, फिग फिसिन, फिग में फिसिन पाया जाता है। ठीक, ऐसे ही आप कायदे से याद कर सकते हैं। फिर अगला देखो पॉइंट क्या कह रहा है, फाइकस ग्लोमेरेटा यानी कि गूलर। गूलर का जो बोटेनिकल नाम है फाइकस ग्लोमेराटा, ये निमेटोड के प्रति रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। ठीक, यानी कि अगर निमेटोड प्रोन सॉयल है, हमारे पास कोई ऐसी सॉयल है जहाँ पर निमेटोड ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर फिग की क्रॉप लगानी है तो हम रूट स्टॉक कौन सा यूज करेंगे? हम रूट स्टॉक यूज करेंगे गूलर का, क्योंकि ये गूलर की जो क्रॉप होती है ये निमेटोड के प्रति रेजिस्टेंट होती है। फिर अगला क्या है, नॉचिंग। नॉचिंग प्रस्टिस्ट इन पूना फिग ऑफ एक्टिवेटिंग डॉर्मेंट्स बड। पूना फिग जो होता है, ठीक, ये पूना फिग, ये जो पूना फिग लिखा है, फिग का एक ग्रुप है। फिग को चार ग्रुप में बांटा गया है। ठीक, फिग को चार ग्रुप में बांटा गया, जिसमें से पूना फिग एक ग्रुप है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की जाती है जिसका नाम है नॉचिंग। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉचिंग प्रैक्टिस किससे संबंधित है, यानी कि नॉचिंग इज रिलेटेड टू हिच क्रॉप्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिग। अब देखो नॉचिंग कहते किसे हैं, देखो इसे समझो। जैसे मान लो ये स्टेम है, ठीक, ये स्टेम है, यहाँ पर एक कलिका लगी है, क्या है? एक बड है। अब हम क्या करते हैं कि ये बड जो है ये जम नहीं रही है, यानी कि इस बड से स्प्राउटिंग नहीं हो रही है, इस बड से नई शाखा निकल नहीं रही है। बड तो लगा है लेकिन शाखा नहीं निकल रही है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कट लगा देते हैं, यहाँ पर बड के तुरंत ऊपर हम कट लगा देंगे।
ठीक, यानी कि उसका जो ऊपर का छिलका होता है तने का, बड़ के ऊपर का, यहाँ नीचे जड़ है, ये ऊपर का जो तने का छिलका होता है वहाँ पर हम एक अच्छा सा कट लगा देते हैं। तो कट लगाने से क्या होगा कि यहाँ से जो इसे जा रहा है, ठीक, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट जा रहा है ये बड़ तक जाएगा, फिर ये बड़ से ऊपर जाना चाहेगा, ठीक, लेकिन ऊपर यहाँ ये कट गया है इसीलिए ये न्यूट्रिएंट ऊपर जा नहीं पाएगा। ठीक, अब ये जब न्यूट्रिएंट यहाँ ऊपर नहीं जा पाएगा तो कहाँ जाएगा, इसके बड़ में घुस जाएगा जो न्यूट्रिएंट नीचे से आए हैं। तो क्या होगा, ये बड़ जो डोरमेंट अवस्था में थी यानी कि जिसमें से कलिकाएं नहीं निकल रही थी, फिर यहाँ से कलियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से उसमें हम नॉचिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखो इसमें, ये देखो आपको ये बड दिख रहा है, ठीक, क्या दिख रहा है, ये बड दिख रहा है, ऊपर हमने एक कट लगा दिया यानी कि इसका छिलका काट के इसे निकाल दिया है। अब इसको जब हम काट देंगे तो इस लाइन से इसे ऊपर से जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट जा रहा था यहाँ बड के ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर कट गया है, इसका जो जाइलम था उसको हमने काट दिया है, ठीक। तो इसका जो जाइलम और फ्लोएम जो संवहन बंडल था थोड़ा थोड़ा दोनों हमने काट दिया है, तो न्यूट्रिएंट ऊपर जा नहीं पाएगा, यहीं आके न्यूट्रिएंट रुकेगा। अब जब न्यूट्रिएंट बराबर यहीं आके रुकता रहेगा तो ये क्या होगा, इस जो ये बड है इस बड को वो जर्मिनेट कर देगा, तो जिससे जो बड होती है वो डोरमेंट बड वो एक्टिवेट हो जाती है। और देखो एक्टिवेट होने के बाद देखो इसमें कलिकाएं निकलने लगी, इधर देखो नोचिंग नहीं की गई थी, यहाँ नोचिंग नहीं की गई तो यहाँ बड नहीं निकला, यहाँ भी बड नहीं निकला, यहाँ नहीं निकला, यहाँ नहीं निकला, लेकिन हमने यहाँ पर नोचिंग कर दी, ठीक, यहाँ पर देखो नोचिंग कर दी, यहाँ काट दिया तो यह बड निकल गई। समझ गई नोचिंग की प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। अब देखो अबाउट 90% ऑफ द फिग प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड आर ड्राइड, मतलब पूरी दुनिया में 90% फिग जो उत्पन्न की जाती है उसमें 90% क्या होती है, सुखाया जाता है, ठीक, इसको सुखा के हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि जब हमको खाना होता है तो इसको हम पहले सुखा के ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसके बाद तब हम इसको खाते हैं, ठीक, इसको हम वैसे जैसे आम को खाते हैं या अमरूद सेब केला खाते हैं उस तरीके से नहीं खाते, इसको हम सुखा के खाते हैं, ठीक, सुखा लेंगे फिर सुखाने के बाद खाएंगे, साल भर रखे रहेंगे फिर खाते रहो आराम से। अब देखो प्रूनिंग इज डन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में इसकी प्रूनिंग करते हैं, फिग की प्रूनिंग जो होती है वो दिसंबर महीने में की जाती है। फिर अगला क्या है, फिग हैव हाईएस्ट फाइबर कंटेंट अमंग फ्रूट क्रॉप, जितने भी फ्रूट क्रॉप हैं पूरी दुनिया में जितने भी फल वाली फसलें हैं उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर यानी कि सबसे ज़्यादा रेशा फिग में मिलता है, ठीक, रेशा समझ रहे हो, रेशा जो खाने में दांत में फंस जाता है, जैसे आम जब खाते हो तो दांत में फंस जाता है वो रेशा होता है, भिंडी होती है, भिंडी जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको हम खाते हैं तो उस दांत में फंस जाता है, तो ये सब क्या होता है, फाइबर होता है। जैसे सरपुतिया है, तोरई है, ये सब चीज़ों में क्या होता है, जब ये ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो इनमें एक जाल बन जाता है, ठीक, एक जाली नुमा हो जाता है, इसको हम चक्कू से काटते हैं तो आसानी से कटता नहीं है, वो सब क्या होता है, फाइबर होता है। इसी तरीके से फिग में भी फाइबर पाया जाता है, होता क्या है कि जब फाइबर थोड़ा मुलायम मुलायम फाइबर रहता है, इसे भिंडी में फाइबर स्टार्टिंग से ही रहता है, तो हम अगर जल्दी उसको तोड़ के खा लिए तो वो जो फाइबर जाएगा हमारे पेट में बच जाएगा, लेकिन अब फाइबर जब ज़्यादा टाइट हो गया, ज़्यादा मजबूत रेशा हो गया उसका, तो वो खाया नहीं जाता है, चक्कू से काटा नहीं जाता है, तो खाने की तो बात छोड़ो और पचेगा भी नहीं, इसीलिए जो फाइबर होता है इसमें जो फिग में पाया जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका फाइबर हमेशा ही ठीक ठाक रहता है, ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए मैच्योरिटी के स्टेज में जाएंगे तो इसका जो फाइबर होगा वो हार्ड हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, इसमें फाइबर होता है, बड़ा अच्छा होता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है इस क्रॉप की कि क्या बताया जाए। देखो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि फिग हैज़ न्यूट्रेटिव इंडेक्स 11, ठीक, अगेंस्ट 986 फॉर एप्पल रेजिन एंड डेट। खजूर रेजिन यानी कि मुनक्का, रेजिन मतलब मुनक्का होता है यानी कि जो किसमस होती है अंगूर से बनती किसमिस, किसमिस, डेट यानी खजूर और एप्पल, इन तीनों का न्यूट्रिशनल इंडेक्स कैसे होता है, एप्पल का न्यूट्रिशनल इंडेक्स 9 होता है, रेजिन का न्यूट्रिशनल इंडेक्स 8 होता है और डेट का न्यूट्रिशनल इंडेक्स 6 होता है और फिग का कितना होता है, 11 होता है सबसे ज़्यादा। कहा जाता है कि अगर ए एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि अगर दिन भर में आप एक सेब खा रहे हैं
तो आप डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। सेब की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, न्यूट्रिशनल इंडेक्स कितना है, 9 है। तो जब इसको खाने से हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, तो अगर हम फिग रोज खाएं तो उसका न्यूट्रिशनल इंडेक्स तो 11 है, यानी कि ये और भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू में है। ठीक, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू और ज़्यादा है, किससे, एप्पल से भी ज़्यादा है, यानी कि 11 है। तो इसीलिए ये बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फ्रूट होता है। अब देखो, फिग हैज बीन क्लासिफाइड इंटू 4 ग्रुप। फिग की जो क्रॉप होती है, इसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक, 4 ग्रुप में डिवाइड करके हम इसको पढ़ते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप जो हम पढ़ाएंगे वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के जितने ग्रुप हैं वो उतने ज़्यादा रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला जो फिग है उसी को हम एडिबल फिग कहते हैं, इसी को हम खाते वाते हैं। इसका जो करेक्टर होता है कि हम किसको पहचान पाएँ, इसका लॉन्ग स्टाइल पेस्टुलेट फ्लावर, इसका स्टाइलेट जो होता है वो लंबा होता है, इसलिए हम जान जाते हैं कि लॉन्ग स्टाइलेट इसका ये एडिबल है। अब इसमें देखो कई ग्रुप हैं, इस जो क्लासिफाई किया गया इस ग्रुप में भी कई सब ग्रुप हैं, जैसे पूना फिग, कोनार्डिया। ये पूना फिग और कोनार्डिया बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना। उसके बाद फिर क्या है, मिशन, फिर है कडोटा, ये सब, उसके बाद फिर ब्राउन तुर्की, ये सब सब ग्रुप्स हैं। इनमें एडिबल फिग के ये ढेर सारे 5 जो हैं ये सब ग्रुप हैं, इनको याद कर लेना ध्यान से। ये वेराइटी नहीं है, ये क्या है, सब ग्रुप हैं। पोमा फिग, कनार्डिया, मिशन, कडोटा, ब्राउन तुर्की, ये सब क्या हैं, एडिबल फिग के सब ग्रुप हैं। फिग के कुल की मिला के कितने ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, जिसमें से एडिबल फिग के 5 ग्रुप हैं, ये मेन। अब देखो फिर दूसरा कौन सा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है समायरना। इस ग्रुप में क्या होता है, लॉन्ग स्टाइल पिस्टिलेट फ्लावर, इसमें भी जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है वो लॉन्ग स्टाइलेट होता है। कालीमेरटा, ये भी एक ग्रुप है, ये यहाँ से 1 शुरू होगा, हमने ये गड़बड़ कर दिया है, 2-1 यहाँ से शुरू होगा, कालीमेरना। उसके बाद जिद्दी, उसके बाद फिर क्या है, टर्नित, उसके बाद फिर तीसरा ग्रुप कौन सा है, सन पेड्रो फिग। दूसरा कौन सा था, दूसरा ग्रुप कौन सा था, केवल ग्रुप याद कर लो, बाकी बवाल नहीं, सब ग्रुप नहीं, एडिबल पार्ट वाला जो था, ये जो एडिबल पार्ट है इसके 5 ग्रुप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दूसरे ग्रुप का नाम याद कर लो, क्या है, समायरना फिग, दूसरा फिर क्या है, दूसरा है सन पेड्रो फिग, फिर उसके बाद तीसरा कौन सा, तीसरा ये हो गया, चौथा है वाइल्ड कैप्री फिग, क्या है, वाइल्ड कैप्री फिग। ये 3 प्रकार, ये 4 प्रकार के तो फिग के ग्रुप हो गए। अब उसके बाद जो एडिबल जो फिग था, उस ग्रुप का जो पूना था, मैंने पूना फिग बोला था, ध्यान से देखो इधर, यह पूना फिग बोला था, ये यहाँ पे देखो, ये पूना फिग बोला था। इस पूना फिग का जो करैक्टर होता है उसके बारे में देखो, पूना फिग इज मोस्ट पॉपुलर कल्टीवेयर ग्रोन इन इंडिया। जो पूना फिग होता है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिग होता है, जिसको हम ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करते हैं। कितने पे, 5x5 मीटर की दूरी पर, यानी कि पौध से पौध की दूरी 5 मीटर रखते हैं, और रो टू रोड दूरी कितनी रखती हैं, 5 मीटर ही रखते हैं। ठीक, तो ये पूना फिग जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, सबसे ज़्यादा इसी को करते हैं। फिर एक्सिल एयर एंड कनार्डिया, ये भी एक सब ग्रुप है, एडिबल जो फिग था उसी का एक सब ग्रुप है एक्सेल एंड कनार्डिया। ये क्या होता है, सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अगर हमको हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी है, बहुत पास पास लगाना है पौधों को, तो ये अच्छा है। इसको हम कितने पर लगाते हैं, 2.5x2, यानी कि लगभग इससे लगभग 2 पौधे हम लगा सकते हैं। ठीक, 2 नहीं, इससे हम लगभग 4 ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। अगर हमने 2.5x2 पर लगाया, 2.5x2 पर लगाया, तो हम लगभग इससे 4 पौधे ज़्यादा हम लगा सकते हैं, समझ गए बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं, 2x2.5 मीटर है ये, ध्यान से रखना। उसके बाद फिर क्या है, कनार्डिया, ये ड्राइंग पर्पज़ के लिए होता है, मतलब इसको हम उगाते हैं, फल तोड़ते हैं, तोड़ के सुखाते हैं, सुखाने के बाद तब इसकी प्रोसेसिंग करके दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे ही सुखा के खाते हैं, समझ गए। फिर अगला क्या है, एक्सेल एंड कनार्डिया सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अभी इसको आगे लिखा तो ये दोबारा 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कनार्डिया फॉर ड्राइंग पर्पज़, ये भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेल जो सब ग्रुप है एडिबल फिग का, इस ग्रुप में क्या करते हैं, इसको हम कैनिंग पर्पज़ के लिए रखते हैं। कैनिंग पर्पज़ का मतलब डिब्बा बंदी, यानी कि इसको सुखा के डिब्बा बंद करके रख लो, और साल भर जब मन में आए तब खाते रहो,
हर साल, मतलब एक साल इसको तोड़ लो, तोड़ के रख लो, जैसे गेहूं धान रख लेते हैं भंडारण करके, वैसे इसको भी सुखा लो और सुखा के रख लो, साल भर खाते रहो, कोई टेंशन नहीं। फिर देखो आगे कौन से पॉइंट बोल रहा है, आगे पॉइंट बोल रहा है देना, क्या है ध्यानना, ये टेबल पर्पस वैरायटी, मतलब टेबल पर रखो। अभी टेबल पर्पस वैरायटी मैंने कई बार बताया है, लेकिन एक बार हम फिर से बता देते हैं। टेबल पर्पस वैरायटियाँ होती हैं जो मेज पर हम रखते हैं, ठीक, जैसे कपिल शर्मा शो में देखो मेज पर रखा होता है फल, तो वो जो फल रखा होता है वो टेबल पर्पज के लिए होता है। ऐसे फलों की एक क्वालिटी होती है कि ये देखने में चमकीले होते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पर ये 3-4 दिन तक अच्छे से बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन लाए, अगर दूसरे पहले दिन रखे दूसरे दिन ही वो खराब होने लगा, ऐसा नहीं, उसको प्रिजर्व करने की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ दिन तक वो रुक जाते हैं। तो ये हो गया टेबल पर्पज के लिए। अब देखो एक्सेसिव इरिगेशन और हैवी रेन ड्यूरिंग राइपनिंग फ्रूट रिजल्ट इन फ्रूट क्रैकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसेप्टेड फ्रूट्स। कह रहा है कि अगर फ्रूटिंग के समय पे जब फल पक रहा हो, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के समय पे जब जब फल हमारा जो है वो पक रहा हो, जैसे तरबूज खरबूज है, जब वो पकता है अगर उस समय पानी बरस जाए तो तरबूज खरबूज की मिठास चली जाती है, उसी तरीके से इसमें भी है कि अगर इसके राइपनिंग के समय में पानी बरस गया, ठीक, ज़्यादा पानी बरस गया या हमने ज़्यादा पानी दे दिया, सिंचाई हमने ज़्यादा कर दिया, तो इसका क्या होगा, इंसेप्टेड फ्रूट हो जाएंगे, फीका फीका फ्रूट हो जाएगा, उतना ज़्यादा मीठा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, और फ्रूट क्रैकिंग की भी समस्या हो जाएगी, ज़्यादा पानी दे देंगे तो फल में ज़्यादा पानी चला जाएगा, और फल में ज़्यादा पानी चला जाएगा तो उनका क्या बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने फिजियोलॉजी में पढ़ाया है, बढ़िया अच्छे से जाके देख लेना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा फल में तो फल फट जाएगा, क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाने से फल फट जाएगा, तो उसको हम फ्रूट क्रैकिंग बोल देते हैं। फिग इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रूट प्रिजर्व्ड बाई ड्राइंग। फिग पहला एक ऐसा फ्रूट है जिसको हम सुखा कर प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि सुखा कर हम संरक्षित रख सकते हैं कई महीनों तक। अब देखो सन पेड्रो फिग इज इंटरमीडिएट बिटवीन कॉमन फिग एंड समायरना फिग। ये जो कॉमन फिग और समायरना फिग मैंने 4 ग्रुप बताए थे, उसमें से 2 ग्रुप था कौन सा, कॉमन फिग था, एक समायरना फिग था, इसमें एक है सन पेड्रो फिग, ये 3 फिग हैं, तो इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सा है, सन पेड्रो फिग, ठीक, सन पेड्रो फिग जो है वो कॉमन फिग और समायरना फिग के बीच का कड़ी है, यानी कि ये कॉमन फिग और समायरा फिग इन दोनों से ये कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब देखो कॉमन फिग इज ग्रोन पार्थिनोजेनेटिकली हुच डू नॉट रिक्वायर कैप्रिफिकेशन। कह रहा है कि जो कॉमन फिग होता है ये पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है, पार्थिनोकार्प इसमें पाया, यानी कि इसमें सीड नहीं पाया जाता है, इस तरीके से इसको उगाया जाता है, इसमें कैप्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो कैप्रिफिकेशन एक इंटर कल्चरल प्रैक्टिस होती है, ये हर फाइकस ग्रुप की क्रॉप में करनी पड़ती है, ठीक, कुछ में नेचुरली होता है कुछ में करना पड़ता है, जैसे अभी अभी होता क्या है, अभी आप कायदे से समझेंगे, तो इसमें जो फिग में होता है कॉमन फिग में इसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी कैप्रिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी वजह से लोग फिग को खाते हैं, इसी वजह से फिग को खाया जाता है, गुलर का ही नहीं लोग खाते हैं ज़्यादा, गुलर इसीलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें कैप्रिफिकेशन होती है। अब देखो कैप्रिफिकेशन होता क्या है, कैप्रिफिकेशन ए मेथड ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ऑफ फिग ट्री बाय वस्प, वस्प होता है एक कीट, इसी कीट के द्वारा क्या होता है कैप्रिफिकेशन होता है, दैट पिक द बड ऑन द ब्रांचेज ऑफ ए कैप्रिफाइंग दैट हैव बीन हंग इन ट्री ऑन द एडिबल फिग और ट्री ऑफ द एडिबल फिग। देखो इसको समझो कैप्रिफिकेशन क्या होता है, बड़े आसानी से समझो, देखो हमने ये क्या है, ये क्या है गुलर, मान लो ये फिग है, अब फिग जब लगेगा तो इधर क्या है उसकी, इधर वो ब्रांच ब्रांच से ऐसे अटैच है, ठीक, अब देखो यहाँ पर एक हल्का सा सुराख होता है, इसी सुराख के अंदर से वस्प अंदर घुस जाते हैं, वस्प एक कीट होता है छोटा छोटा भुनगा, हम गांव लोग में कहते हैं भुनगा भुनगा होता है, ये अंदर चला जाता है, ठीक, सफ़ेद सफ़ेद होता है, ये अंदर चला जाएगा, फिर अंदर जाके यहाँ पे ढेर सारे इन्फ्लोरोसेंस होते हैं फिग के,
तो उनको ढेर सारे जो इन्फ्लोरसेंस होते हैं उनको पॉलिनेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, फिग का इधर हमने फ्रूट जो लगाया है, इस फ्रूट के यहाँ से ऐसे अंदर घुस जाएगा और इसके अंदर जैसे गूलर आपने देखा होगा बिल्कुल वैसा ही होता है, तो इसके अंदर जाके वहाँ पॉलिनेशन करने लगेगा। तो इसी वजह से लोग फिग को खाते नहीं हैं, क्योंकि उसमें भुनगा पड़ा रहता है। जब उसमें फोड़ोगे तो देखोगे उसमें ढेर सारे भुनगे रहते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं हम नहीं खाएंगे इसको, ये सड़ गया है। वो सड़ा नहीं गया, वो नेचुरली होता है। लेकिन फिग को लोग खाते हैं क्योंकि इसमें डोंट रिक्वायर कैप्रिफिकेशन, क्योंकि इसमें कैप्रिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भुनगा उनगा नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें वैस पाया नहीं जाता, तो लोग खा लेते हैं। जबकि गूलर को नहीं खाते हैं। जबकि दोनों की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो दोनों में उतने ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, चाहे वो फिग हो चाहे गूलर हो, लेकिन गूलर को इसीलिए लोग नहीं खाते हैं। अब देखो आगे आगे क्या है, फाइकस कैरिका इज डायोसियस, गाइनो डायोसियस स्पीसीज। क्या है ये? गाइनो डायोसियस स्पीसीज है। देखो ध्यान से समझते हैं, ढेर सारे होते हैं डायोसियस, मोनोसियस, गाइनो डायोसियस, ठीक, एंड्रो डायोसियस। तो इसको समझते हैं पहले हम। देखो ये क्या है, कोसेक्सुअल, इसमें देखो मेल और फीमेल दोनों हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं फीमेल पार्ट, ठीक, इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक। देखो समझो इसको, इसको क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक। क्या एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसको फीमेल पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, यानी कि ये मादा का काम करता है और ये पुरुष का काम करता है। अब देखो ध्यान से समझते हैं, ये समझ गए ना कि ये कौन सा है, ये फीमेल है और ये मेल है। अब ध्यान से समझो, कोसेक्सुअल कौन सा होता है, जब एक ही पौधे पर दोनों पाया जाता है, मेल और फीमेल, जब दोनों पाया जाता है, सॉरी कोसेक्सुअल का यह सिंबल है। अब यहाँ से हम समझना स्टार्ट करते हैं, गाइनोडायोसिस क्या होता है, इसमें एक ही पौधे, मतलब दो प्रकार के पौधे पर, एक पौधा तो ऐसा होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, ठीक, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर होंगे, और एक पौधा ऐसा होगा जिसपे केवल केवल फीमेल फीमेल पौधा ही, फ्लावर ही लगा रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोडायोसिस बोलते हैं। इसमें दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक पौधे पर तो ऐसा फूल लगेगा, एक पौधे पर ऐसा फूल लगेगा, ठीक, तो इसीलिए इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, गाइनोडायोसियस। अब देखो मोनोसी यानी कि मोनोसियस, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल और फीमेल ये दोनों पार्ट एक ही पौधे पर पाया जा रहा है, देखो एक ही पौधे पर दिख रहा है, एक ही पौधे पर मेल और फीमेल पाया जा रहा है, ये डायोसियस होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे पर पाया जा रहा है, ठीक। अब उसके बाद सब डायोसी, सब डायोसी मतलब कि ये डायोसियस भी है और मोनोसियस भी है। मोनोसियस क्यों है, क्योंकि सॉरी देखो इसको सब डायोसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक में उभयलिंगी फूल होता है, यानी कि मेल और फीमेल वाला फूल होगा, एक केवल मेल वाला फूल होगा, एक केवल फीमेल वाला फूल होगा। अब उसके बाद एंड्रोडायोसी, इसी का जस्ट उल्टा होता है ये। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल एक फ्लावर होगा, एक फ्लावर केवल फीमेल का होगा। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल एक फ्लावर होगा, एक में केवल मेल फ्लावर होगा। ध्यान से आप समझ लीजिए इसको, फिर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये जो बना है ये एक पौधा, मतलब एक ही पौधे पे दो तरीके के फूल, ये दो पौधे हैं, ये तीन पौधा है, ये तीन दो पौधा है, ये दो पौधा, इस तरीके के फूल पाए जाते हैं। इसी तरीके से उनको गाइनोडायोसियस, मोनोसियस, डायोसियस, सब डायोसियस या एंड्रोडायोसियस ऐसे बोलते हैं। अब देखो कैप्री फिग इज मोनोसियस स्पीसीज, कैप्री फिग जो होती है वो मोनोसियस होती है, यानी कि ऐसा होती है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, एक ही पौधे पर रहेंगे तो मोनोसियस, अलग अलग पौधे पर रहेंगे तो डायोसियस, अलग अलग पौधे पर रहेंगे तो डायोसियस, और डायोसियस के साथ साथ अगर गाइनो लग गया है तो यानी कि दो तरीके के उसमें फूल होंगे, एक में मेल और फीमेल दोनों होगा, एक में केवल फीमेल होगा, इसी तरीके से होता है। ध्यान से आप देख लीजिए, एक बार ना समझ में आओ तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख लीजिए और कायदे से समझ लीजिए। अब देखो रिच इन शुगर नेक्स्ट टू डेट, जो हमारी खजूर होती है, खजूर के बाद जो सबसे ज़्यादा शुगर वाला क्रॉप होती है, सबसे ज़्यादा जो शुगर वाली
शुगर वाला जो फ्रूट होता है वो कौन सा होता है? फिग होता है। सबसे ज़्यादा शुगर किस में पाया जाता है? डेट पाम में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा शुगर किस में पाया जाता है? फिग में पाया जाता है। साल्ट एंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, ये एक लवण और सूखे के प्रति सहनशील फसल है। यानी कि कोई ऐसी फसल, कोई ऐसा खेत है जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है या वहाँ पर पानी कम बरसता है या रेनफेड कंडीशन है, तो वहाँ पर हम फिग की क्रॉप लगा सकते हैं। अब देखो, इट इज ए सॉफ्ट फ्रूट, यह एक सॉफ्ट फ्रूट होता है। इसको हम अगर दबा दें हाथ से, हाथ से दबाओगे तो ये फूट जाएगा। गूलर को देखो पका रहे फू, तो उसको बढ़िया ऐसे दबा के रोक फोड़ लेते हैं। विथ पर्पल और ग्रीन स्किन, इसकी ग्रीन जो होती, इसकी जो स्किन स्किन होती है वो पर्पल होती है पकने के बाद, और कच्ची रहती है तो ग्रीन होती है। एंड लॉट ऑफ स्मॉल सीड इनसाइड, इसके अंदर ढेर सारे छोटे 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 महीन महीन सीड भी होते हैं फिग के अंदर। अगर आपने गूलर देख लिया है तो आप ऐसे समझिए कि हमने फिग भी देख लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है। अब वेराइटी इसकी देख लेते हैं, जो इडविल फिग है उसकी हम वेराइटी देख लेते हैं, क्योंकि खाने वाली फिग की ही वेराइटी हम बनाते हैं। जिसको हमें खाना नहीं उसकी हम वेराइटी बना के क्या करेंगे। फिर देखो मर्सलाइस एक वेराइटी ये है, फिर ब्लैक इस्चिया, उसके बाद काबुल, काबुल एक इसकी एक फेमस वेराइटी है, केवल यही एक वेराइटी है, और बेंगलोर, काबुल और बेंगलोर लखनऊ, ठीक, काबुल बेंगलोर लखनऊ ये सब शहर के नाम हैं। फिर दिनकर इम्प्रूव्ड ओवर दौलताबाद, दौलताबाद में इसको इम्प्रूव करके एक वेराइटी बनाई गई दिनकर, ठीक। तो ये सब आपकी कुछ वेराइटियाँ थी। देखो अब इसमें से जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटी हैं उनको हम लगा देते हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग वेराइटी भी हैं। काबुल, बेंगलोर, लखनऊ और दिनकर, ये चार वेराइटी जो हैं फिग की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, कहीं नोट्स बना के रख लीजिए, ठीक। यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं फिग से रिलेटेड। फिग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसको हमने बता दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो में जितना हमने पढ़ाया वो सब समझ में आया हो और हमारा जो प्रयास है ये आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी या आप वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।